नमस्कार। दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद एक ऐप जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो है जूम। जी हाँ, जूम नाम का एक ऐप है जो दुनिया भर में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या यूं कहे कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान एक दूसरे से बात करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है। इसका इस्तेमाल कई गुना बढ़ चुका है। आज जब मैं ट्विटर देख रहा था तो उसमें रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी की एक तस्वीर पर जाकर मेरा ध्यान अटक गया। आप भी देखिए इस तस्वीर को गौर से। इस तस्वीर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से बात कर रहे हैं। चूंकि देश में कोरोना का कहर जारी है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इसलिए ये शायद मीटिंग जो है वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए हो रही होगी और तमाम बड़े अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है जिस सॉफ्टवेयर, जिस ऐप का इस्तेमाल कर ये मीटिंग की जा रही है, यानी कि जूम ऐप। जी हाँ, ये बेहद चिंता की बात है क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है वो बेहद डराने वाली, बेहद चौंकाने वाली है। जूम एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सेंट जॉन्स अमेरिका में है और ये कंपनी नैसडैक में भी लिस्टेड है। लेकिन इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि ये एक दिस इज़ अ यूएस कंपनी विथ अ चाइनीज हार्ट। जी हाँ, इस कंपनी का दिल चाइना में बसता है ऐसा कहा जाता है। इस ऐप को बनाने वाली कंपनियों में से जो प्रोग्रामिंग टीम है, जिसने टेक्निकली इसको तैयार किया है, उसमें से तीन कंपनियां हैं और उसमें से तीनों ही कंपनियां चाइना बेस्ड है। चीन के इसमें से दो कंपनियां जो है वो खुद जूम ऑन करता है और तीसरी कंपनी वो जूम के द्वारा ऑन नहीं की जाती है। इस पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है citizenlab.ca के द्वारा। जी हाँ, सिटीजन लैब ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये एक बड़ी वेबसाइट है और इसमें जो चिंता जाहिर की गई है वो बेहद खतरनाक है। कुछ चीज़ें इसमें से बेहद टेक्निकल है और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, लेकिन जो एक बहुत मोटी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे मेरे पास एक लैपटॉप रखा हुआ है और मैं इस citizenlab.ca की रिपोर्ट के हवाले से ये बातें कर रहा हूँ कि Zoom जो है उसकी जो दो कंपनीज जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको Zoom ऑन करता है, वो रुआंडसी सॉफ्टवेयर के नाम से है और तीसरी कंपनीज जो है उसका नाम है अमेरिकन क्लाउड वीडियो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां चाइना बेस्ड हैं और जूम के करीब 700 एम्प्लॉयज चाइना में काम करते हैं और सिलिकॉन वैली की सैलरी चूंकि काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो बड़ी सैलरीज इसको नहीं देनी होती है, इसलिए इन्होंने अपना बेस जो है वो पूरी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस वो चाइना शिफ्ट कर लिया है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात ये है कि zoom.us ये इस ऐप का वेब एड्रेस है, zoom.us, जिसमें ये दुनिया भर में सेवाएं देता है, लेकिन चाइना में नवंबर 2019 में ही, देखिए ये एक बड़ी दिलचस्प, में किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन जब पूरी दुनिया में वुहान से कोरोना की बात होनी शुरू हुई उसके ठीक पहले नवंबर 2019 में चाइना इस ऐप को अपने यहाँ पर बैन कर देता है। और चाइना में जो जूम का वर्जन यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल अलहदा वर्जन है। वो zoom.cn पर अवेलेबल है, zoomvip.cn और zoomcloud.cn। देखिए .cn जो है वो चाइना का डोमेन कंट्री कोड है, जैसे भारत में .in और .co.in इस्तेमाल होता है,
अमेरिका में डॉट यूएस इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से चाइना में डॉट सीएन इस्तेमाल होता है, और वहां पर जो जूम का जो वर्जन है वो बिल्कुल अलग है। अब सिटीजन लैब की जो रिपोर्ट कहती है वो बेहद खतरनाक है। उसके मुताबिक चूंकि ये कंपनी जो है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाइना में बेस्ड है, भले ही ये अमेरिकन कंपनी हो लेकिन इसका बहुत सारा डाटा चाइनीज सर्वर्स पर सेव होता है। एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि देश में जितनी भी कंपनियां जो चाइना बेस्ड है, चाहे वो बाइट डांस हो जिसके कि हेलो और टिकटॉक जैसे बड़े प्रोडक्ट है, या फिर श्योमी जैसी कंपनियां हो, ये कहा जाता है कि इन सभी कंपनियों को अपना डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, चीन की सरकार के साथ साझा करना होता है। अब आप इस तस्वीर को दोबारा देखिए, देश के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जिस ऐप का इस्तेमाल बातचीत में कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चाइना में चाइना बेस्ड सर्वर पर हो सकती है। इतना ही नहीं, ये जो ऐप है इसके बारे में हाल ही में सिर्फ 2 दिन पहले, जी हां 2 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने चेताया है। मैं CNN की रिपोर्ट का हवाला देकर आप पढ़ रहा हूं कि FBI वॉन्स वीडियो कॉल्स आर गेटिंग हाईजेक्ड, इट्स कॉल्ड जूम बॉम्बिंग। ऐसा कई लोगों ने ये शिकायत की है कि उनके वीडियो कॉल्स जो है वो हैक हो गए, उसकी जानकारी लीक हो गई और FBI अब इसकी तफ्तीश कर रही है। आप सोचिए कितना खतरनाक है जब देश के रक्षा मंत्री और देश के थल सेना के चीफ जनरल बिपिन रावत एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर बातचीत कर रहे हैं जिसकी सिक्योरिटी के बारे में इतने गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में कुछ दिनों पहले BBC में भी इस बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जूम के CEO को माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही इस सभी चीज़ों को अपग्रेड कर लेंगे। सिटीजन लैब डॉट CA की जो रिपोर्ट है वो बेहद डराने और चौंकाने वाली है, और इसके बाद जूम ने भी बाकायदा एक ब्लॉग लिखकर इस बात को माना है। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि चूंकि एकाएक कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में हमारी सेवाओं की डिमांड बढ़ गई, इसके लिए हमने दिन रात एक करके चीन में अपने सर्वर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया, और उन्होंने एक टर्म यूज की है जिसे जियो फेंसिंग कहा जाता है। जियो फेंसिंग के कारण ये तमाम चीज़ें चाइना के सर्वर्स पर नहीं जाती है, ऐसा कंपनी का कहना है, लेकिन हम चूंकि चीन इस पूरी बीमारी का एपिसेंटर था, वहाँ पर भी काम करने वालों की कमी थी, इसलिए ये वहाँ पर शेयर हो गया। ये गलती है जिस पर जूम कह रही है कि इस पर अब हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत टेक्निकल डिटेल है जिस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जूम ये दावा करता था कि ये 256 बीट के एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर काम करता है। 256 बीट का एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक ऐसी चीज है जिसे तोड़ पाना आम हैकर्स के बस की बात नहीं है, बेहद मुश्किल है। लेकिन असलियत ये है कि जूम 128 बीट के इंक्रिप्शन पर काम करता है, जिसे बड़ी ही आसानी से, जो हैकिंग की दुनिया के माहिर है वो बड़ी आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं। तो जूम गलत बात कर रहा है, इसलिए अगर आप भी इस पर कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करते हैं, कोई महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। इसके साथ ही मेरी भारत सरकार से भी गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से जहां पर भी संवेदनशील जानकारियां शेयर होती है, जूम का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए,
ये बेहद खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे तमाम दुनिया के बड़े नेताओं की तस्वीरें सामने आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत सभी लोग अपनी कैबिनेट की मीटिंग जूम के सहारे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत एक अपना खुद का बेहद सुरक्षित वेब कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम है, तो कम से कम आज जब इतनी विपरीत परिस्थितियां देश के सामने हैं, वहां पर हमारी संवेदनशील जानकारियां अगर सरकार, अगर चाइनीज गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, तो ये बेहद दुखद होगा। और चीन, मेरा हमेशा से मानना है कि कोई कुछ भी कहे, चीन हमेशा से हमारा दुश्मन नंबर एक था, दुश्मन नंबर एक रहेगा। अगली बार, अगले वीडियो में मैं एक और बेहद खतरनाक और सनसनीखेज जानकारी आपके पास लेकर आऊंगा कि FBI ने जनवरी के महीने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप है कि वो चाइनीज सरकार के साथ किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसकी जानकारी अमेरिकी एजेंसीज को नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, वो जिस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे थे वो थी वुहान यूनिवर्सिटी। तो ये बेहद सनसनीखेज खुलासा मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। और ये जो आज की खबर है, ये जो तस्वीर है, इसके सहारे हम आपको फिर से छोड़ जाते हैं। मेरी फिर से प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन है, गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है और जो तमाम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है वो इस बारे में राय और बेहतर ढंग से सुझाव सरकार को दे सकते हैं। मैं पत्रकार रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के मामले में मेरी अपनी समझ है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। प्लीज़ 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 संवेदनशील बातचीत के लिए जूम का इस्तेमाल मत करिए। जय हिंद, शुक्रिया।